हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज द इंजीनियरिंग फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फोर ईयर ट्रांसफॉर्म, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। तो आज जो हम रिजल्ट जो देखेंगे इस पूरे जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हमने देखा था उसका सारा कंक्लूजन इस लेक्चर में आएगा। सो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। लेकिन उससे पहले मैं एक सैम्पलिंग फंक्शन की एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्लियर है भाई। तो कैलकुलेट एनर्जी एंड area of sampling function, हमें पता है जो sampling अगर x है इसका मतलब होता है sin x over x, clear point। तो मान लीजिए मेरे पास x of t है sampling t, this is nothing but sin t over t। मुझे इसका area calculate करना है और इसका मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है, इसकी एनर्जी क्या होगी, क्लियर। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला यूज करूं, एरिया इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स टी दैट इज साइन टी ओवर टी इनटू डीटी। तो अगर मैं देखूं इसका जो इंटीग्रेशन होगा काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ एरिया प्रॉपर्टी, क्लियर है भाई। तो हमें पता है एरिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले सैंपलिंग टी का, ये मेरे पास सैंपलिंग टी है, इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं, सैंपलिंग टी का जो मेरे पास स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ए नॉट सैंपलिंग के टी, इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है भाई, एक रेक्टेंगल होती है जिसकी विड्थ होती है फ्रॉम माइनस के टू प्लस के, और इसकी जो हाइट होगी पाई ए नॉट बाई के, क्लियर पॉइंट। अगर मैं इसी चीज के इसके साथ कंपेयर करूं, के की वैल्यू मेरे पास वन है, ए नॉट की वैल्यू मेरे पास वन है, के की वैल्यू वन है, तो जो सैंपलिंग टी होगा इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा भाई मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा माइनस वन टू वन पाई। ये मेरे पास आ गया एक्स ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, क्लियर पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका एरिया प्रॉपर्टी था उसमें एरिया अंडर टाइम डोमेन एक्स टी डॉट डी टी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी दिस इज नथिंग बट एक्स जीरो, वेयर एक्स जीरो क्या था आपका, आपका जो एक्स ऑफ ओमेगा होगा उसकी वैल्यू क्या है ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, क्लियर। तो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी ओमेगा जीरो की लाइन है, ओमेगा जीरो के ऊपर है उसकी वैल्यू क्या भाई पाई। इसका मतलब मैं यहां से अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म का कांसेप्ट क्लियर है तो मैं इजीली इसका एरिया बता सकता हूं, क्लियर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सैंपलिंग टी होगा इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सैंपलिंग टी मीन सैंपलिंग टी, इसका जो एरिया होगा भाई दैट इज पाई, क्लियर पॉइंट। अगर मुझे इसकी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या होता है भाई, एनर्जी ऑफ द सिग्नल एज पर पार्सवल थ्योरम, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं भाई। सो एज पर पार्सवल्स एनर्जी थ्योरम उसके अकॉर्डिंग होता है भाई एनर्जी ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, क्लियर पॉइंट। अभी अभी हमने जो एक्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट किया था सैंपलिंग टी का उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी दैट इज एक्स ओमेगा डी ओमेगा, क्लियर पॉइंट। ये क्या बता रहा है भाई, जो आपका एक्स ओमेगा है उसका स्क्वायर कीजिए देन कैलकुलेट द एरिया, मीन्स मैं ये चीज बोल सकता हूँ एक्स ओमेगा स्क्वायर का जो एरिया होगा That is nothing but this, clear? तो मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। 1 डिवाइड बाय 2 पाई, देखिए माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू 0, 1 से लेके इनफिनिटी फंक्शन की वैल्यू 0, सो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ओनली माइनस 1 टू 1, उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या है पाई, उसका क्या करना आपने स्क्वायर डी ओमेगा, सो 1 डिवाइड बाय 2 पाई माइनस 1 टू 1, पाई स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर बचेगा d ऑफ ओमेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 1 डॉट d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, सो पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा देन पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास पाई, क्लियर है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ जो एरिया होगा सैंपलिंग फंक्शन का और जो एनर्जी होगी सैंपलिंग फंक्शन की वो क्या होगी भाई पाई, क्लियर। सो यहां पे लिख लेते हैं नोट करके,
एरिया ऑफ सैंपलिंग एंड एनर्जी ऑफ सैंपलिंग टी इज नथिंग बट पाई. क्लियर अभी? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. मान लीजिए मेरे पास सैंपलिंग 3t है. क्लियर? अगर मेरे पास सैंपलिंग 3t रहेगा तो इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी जो विड्थ होगी फॉर ऑन -3 to +3 हो जाएगी बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है. तो यहाँ पे होता है a0 की वैल्यू 1 सो π/3. क्लियर पॉइंट? तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं एरिया आ जाएगा आपका एट एक्स एरिया ऑफ सैंपलिंग एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 दैट इज π/3. कहने का मतलब ये हुआ आपके पास सैंपलिंग टी था उसका एरिया आपके पास पाई था. जब मेरे पास स्केलिंग की गई 3 के साथ तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा भाई π/3. समझ पा रहे हो पॉइंट? अगर सिमिलरली यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया 4 सैंपलिंग 3t का जो एरिया हो जाएगा भाई 4π/3. यहां से ध्यान से समझना. यहां पे जब भी मेरी स्केलिंग होगी तो उस फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा. जब एम्पलीट्यूड की आपके पास स्केलिंग होगी वो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है? तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालूं तो इसका कंक्लूजन ये होगा. यहां पे मैं फंक्शन लिख रहा हूं, यहां पे मैं एरिया लिख रहा हूं. मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, मान लीजिए उसका एरिया ए है तो एफ एम टी का एरिया क्या हो जाएगा ए ओवर मैग्नीट्यूड एम बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? सिमिलरली अगर एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी, एफ टी का एरिया ए होता है, एन के साथ मल्टीपल एम्पलीट्यूड स्केलिंग है तो एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर स्केलिंग और एम्पलीट्यूड आपका साथ में हो रहा है, टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग अगर साथ में हो रही है तो एरिया एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम के साथ डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली हमने देखा था सैंपलिंग टी का जो एरिया होगा भाई ये पाई हो जाएगा, सैंपलिंग एम टी का एरिया क्या हो जाएगा पाई ओवर एम हो जाएगा. क्लियर? एन सैंपलिंग एम टी दिस इज नथिंग बट एन पाई डिवाइड बाई एम, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा. क्लियर? अगर मैं बोलूं 3 सैंपलिंग 3t का एरिया क्या हो जाएगा जी पाई आ जाएगा बिकॉज 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइड तो आंसर इज पाई. क्लियर है पॉइंट? तो भाई ये था एरिया का कांसेप्ट. तो आपने ऑलवेज रिमेंबर रखना है जो भी आपका एरिया होगा सैंपलिंग फंक्शन का दैट इज पाई और इसको मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ एरिया प्रॉपर्टी बिकॉज एरिया प्रॉपर्टी से मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी हो जाती है. विद इन 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है भाई? तो आगे देखते हैं भाई इंपल्स ट्रेन का आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है. सबसे पहले मैं इन जनरल जो भी आपका पीरियोडिक सिग्नल है उसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूं. क्लियर? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल, हमें पता है जो भी पीरियोडिक सिग्नल होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई समीशन एन इज इक्वल टू -∞ to ∞ सी एन ई की पावर जी ओमेगा टी वेयर सी एन इज द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट. ये हमने ऑलरेडी फोरियर सीरीज में देख चुके हैं. क्लियर? तो सी एन की जो मेरे पास वैल्यू होती है भाई 1/T ओवर अ टाइम पीरियड एक्स टी इंटू ई की पावर -j ओमेगा t dt. क्लियर पॉइंट? तो ये मेरा कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है. क्लियर? तो मैं 1/1 इस चीज को फॉर्म कर रहा हूं. एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा भाई एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा. क्लियर? अगर मैं 1 की बात करूं 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है भाई ये होता है 2π Δ ओमेगा. इसके बाद ई की पावर जे ओमेगा टी का क्या होता है भाई e की पावर j ओमेगा t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपके पास उसमें फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग हो जाएगी. मान लीजिए e की पावर यहाँ पे ओमेगा नॉट लेके चल रहा हूं ओमेगा नॉट तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा.
समझ पा रहे हो पॉइंट। इसके बाद है मेरे पास सी एन मल्टीप्लीकेशन में है, तो सी एन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई सी एन डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्लियर, यानी कि 1/1 मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी सी एन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट समीशन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 2 पाई आपका कॉमन है बाहर आ जाएगा सी एन डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दिस वन होगा। क्लियर, तो एक्स टी जे है तो इसका जो एक्स ऑफ ओमेगा होगा दैट इज 2 पाई समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सी एन डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। समझ पा रहे हो पॉइंट, अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज मैंने बताया आपको। क्लियर, तो अब देखिए जो इंपल्स ट्रेन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास जो x ऑफ t गिवन है, x ऑफ t इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी डेल्टा t n t s या t नॉट। क्लियर, मींस आपके पास x ऑफ t कुछ ऐसा गिवन है, इंपल्स ट्रेन गिवन है, जब n की वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा t हो जाएगा डेल्टा t। क्लियर, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी t माइनस t नॉट मींस t नॉट के ऊपर आ जाएगा दैट इज t नॉट। ऐसे ऐसे जब मैं n की वैल्यू वेरी करूंगा तो ऐसा ऐसा ग्राफ मेरे को मिलता जाएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं भाई इंपल्स ट्रेन। क्लियर, अगर मैं इसका सी एन निकालू, सी एन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कैसे निकालते हैं भाई, तो सी एन की जो वैल्यू होती है भाई सी एन इज इक्वल टू 1/t0 फ्रॉम माइनस टी नॉट 2/t0/2 एक्स टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी। क्लियर पॉइंट, तो अब देखिए जरा मान लीजिए ये मेरा टी नॉट बाई टू से लेके टी नॉट बाई टू है, एक टाइम पीरियड है उसके अंदर मेरा डेल्टा टी आ रहा है। क्लियर, तो सी एन की वैल्यू हो जाएगी 1/t0 माइनस टी नॉट बाय टू से टी नॉट बाय टू, एक्स टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ भाई डेल्टा टी इनटू e की पावर जे ओमेगा नॉट टी इनटू डी टी। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स यहाँ पे इसका जीरो इसके अंदर आ जाएगा, किसी भी चीज की पावर जीरो वन हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम माइनस टी नॉट बाय टू टी नॉट बाय टू इज वन। क्लियर, इसका मतलब जो सी एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट इज 1/t0, ये किसके लिए है भाई सी एन की वैल्यू फॉर इंपल्स ट्रेन। क्लियर, तो अगर मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है, इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म देखूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ये एक पीरियोडिक सिग्नल है भाई, तो पीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज 2 पाई समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी सी एन डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। समझ पा रहे हो पॉइंट, तो अब देखिए जरा अगर ये मेरा एन वेरी कर रहा है फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी तो यहाँ पे एन ओमेगा नॉट आ जाएगा बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। क्लियर, तो अब देखिए जरा सी एन की वैल्यू इस केस के लिए क्या भाई 1/t0, इसका मतलब 2π/t0 समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी सी एन डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। सी एन की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/t0। क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, दिस इज नथिंग बट ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो इस रिजल्ट को मैं यूज कराऊंगा इन सैंपलिंग थ्योरम। क्लियर, तो सैंपलिंग थ्योरम में जो आपका इंपल्स ट्रेन होती है ये किसी भी कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, तो देखेंगे इसको सैंपलिंग थ्योरम में। क्लियर, तो कहने का मतलब ये हुआ ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी माइनस एन टी नॉट समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका दैट इज ओमेगा नॉट समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। क्लियर पॉइंट, तो ये आपका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
क्लियर। तो आज हमने ये सारा डिस्कस किया भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग अलग जो आपके सिग्नल होंगे उनके। अब मैं जितने भी आपने फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है उसको मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, तो उससे आपको इजी रहेगा लर्न करना। क्लियर, तो देखिए भाई हमें पता है एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए भाई, सबसे पहले हमने डेल टी का देखा, डेल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज वन। नंबर टू, यू ऑफ टी का हमने देखा था जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, वन डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। तीसरे नंबर पे हमने सिग्नम टी का देखा था, सिग्नम टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था मेरे पास दैट इज टू डिवाइड बाय जे ओमेगा। क्लियर पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, कोई भी डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ए नॉट का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था मेरे पास 2 पाई ए नॉट डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली नंबर 5, कॉस ओमेगा नॉट टी का जो मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था दैट इज पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सिमिलरली साइन टी का हमने देखा था, साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई जे आया था आपके पास, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्लियर पॉइंट। नंबर 7, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए मेरे पास कोई रेक्टेंगल है माइनस टॉ बाय 2 से लेके टॉ बाय 2, उसकी हाइट इज ए, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका जो जितना एरिया है, एरिया कितना हो गया इसका टॉ, पूरी जो विड्थ टॉ है, इनटू ए, सो टॉ ए सैंपलिंग हाफ विड्थ टॉ बाई 2 ओमेगा। क्लियर पॉइंट। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द एरिया, दिस रिप्रेजेंट द हाफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर पॉइंट। सिमिलरली 8th नंबर पे हमने देखा था सैंपलिंग का, क्लियर, इसको अगर मैं टाइम डोमेन में कन्वर्ट करूं ये बनेगा रेक्टेंगल टी बाई टॉ, तो टी बाई टॉ का भाई जे होता है। ठीक है, अगर मेरे पास है ए नॉट सैंपलिंग के टी, इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म देखूं तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आया था, एक रेक्टेंगल आई थी जिसकी विड्थ होगी फ्रॉम माइनस के टू प्लस के, इसकी जो हाइट होगी फ्रॉम ए नॉट पाई डिवाइड बाय दिस वन। क्लियर पॉइंट। तो जे मेरा एक्स ओमेगा आएगा। क्लियर, तो कहने का मतलब जे हुआ जो भी आपका रेक्टेंगुलर पल्स होगी उसका सैंपलिंग होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और सैंपलिंग का आपके पास एक रेक्टेंगल होगी। क्लियर पॉइंट। तो आगे देखते हैं नंबर 9, किसी भी इंपल्स ट्रेन का t माइनस एन टी नॉट है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था आपके पास दैट इज ओमेगा नॉट समीशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। क्लियर पॉइंट। तो ये सारे के सारे भाई आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ऑलवेज रिमेंबर रखना है बिकॉज इनका जो रिजल्ट होगा डायरेक्ट यूज होगा। क्लियर, तो इसके पहले हमने कुछ ऐसे फंक्शन भी देखे थे, e की पावर ए टी यू ऑफ टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आया था 1 डिवाइड बाय ए प्लस जे ओमेगा। अगर e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी है, इसका रिजल्ट आपके पास आया था ए माइनस जे ओमेगा 12th। e की पावर माइनस ए मॉड टी, इसका आपके पास आया था 2a डिवाइड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर अभी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये इनकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके, ये डायरेक्ट यूज होते हैं। क्लियर, तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज लर्न की थी वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी और एरिया प्रॉपर्टी दोनों की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो उनको माइंड में रखना भी, और उस एरिया प्रॉपर्टी को आपने कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, मैं वो क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। क्लियर, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर एक्स टी का नेचर
इवन है, ऑड है, रियल है, इमेजिनरी है, रियल प्लस इमेजिनरी है, रियल प्लस ऑड है, क्लियर। तो उस नेचर से मेरे एक्स ऑफ ओमेगा का क्या नेचर होगा, तो ये क्वेश्चन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों में आता है, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी इसके बाद जस्ट हम ये चीज देखने वाले हैं, अगर एक्स टी मेरे पास रियल है तो एक्स ओमेगा क्या होगा, उसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्लियर। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, अब देख रहे हैं अभी एक्स टी अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दूं तो एक्स ऑफ ओमेगा, क्लियर। अब मैं एक्स टी के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये मेरा रियल है तो एक्स ओमेगा क्या होगा, अगर ये इमेजिनरी है तो क्या होगा, रियल प्लस ऑड है तो एक्स ओमेगा क्या होगा, क्लियर है भाई। तो उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक्स ऑफ टी है, ये मेरे पास एक्स ऑफ ओमेगा है। तो फर्स्ट देख रहे हैं भाई, अगर xt मेरे पास इवन है, अगर xt इवन है तो मेरा जो x ऑफ ओमेगा होगा ये भी इवन होगा, मींस इवन फंक्शन का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं वो इवन आएगा। मैं नेक्स्ट इसके टेबल के बाद इसको प्रूव करता हूं कैसे, क्लियर। सिमिलरली अगर ये मेरे पास ऑड है, मींस ऑड है, तो आपका जो x ऑफ ओमेगा होगा ये ऑड होगा भाई। नंबर थ्री, अगर कोई भी फंक्शन x ऑफ t मेरा रियल प्लस इवन है तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा रियल प्लस इवन फंक्शन का वो रियल प्लस इवन ही होगा। नंबर फोर, अगर ये मेरा जो एक्स ऑफ टी है दैट इज इमेजिनरी प्लस इवन तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इमेजिनरी प्लस इवन होगा, क्लियर। नंबर फाइव, अगर रियल प्लस ऑड है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास हो जाएगा भाई इमेजिनरी प्लस ऑड। नंबर सिक्स, अगर इमेजिनरी प्लस ऑड है तो ये हो जाएगा रियल प्लस ऑड, समझ रहे पॉइंट। नंबर सेवन, अगर एक्स टी मेरे पास कंजुगेट्स मैट्रिक है, कंजुगेट्स मैट्रिक के लिए भाई रियल पार्ट ऑफ एक्स टी आपका इवन होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स टी आपके पास ऑड होना चाहिए, क्लियर। उस केस में आपका जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा कंजुगेट्स मैट्रिक पार्ट ऑफ एक्स टी इज अ रियल, इसको मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। नंबर एट, अगर कोई भी आपके पास एक्स टी रियल गिवन है तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कंजुगेट्स मैट्रिक, मींस कंजुगेट्स मैट्रिक का रियल, अगर रियल का करूं तो कंजुगेट्स मैट्रिक, क्लियर है भाई। तो नंबर नाइन, अगर कोई भी कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए रियल पार्ट ऑफ एक्स टी that is odd and imaginary part of xt is even, उस type के function को हम बोलते हैं भाई conjugate anti-symmetric। अगर इसका मैं Fourier transform करूं तो मेरे पास imaginary आएगा, clear। तो similarly अगर मेरे पास कोई imaginary xt है, अगर मैं उसका Fourier transform करूं तो मेरे पास conjugate anti-symmetric आएगा, clear है भाई। तो this table is very important, आपको xt का जहां तो Fourier transform given होगा, जहाँ सॉरी आपको एक्स टी का ग्राफ गिवन होगा, जहाँ कोई फंक्शन गिवन होगा उसको हम चेक करेंगे वो फंक्शन आपका इमेजिनरी प्लस इवन है या रियल प्लस ऑड है, क्लियर। उसको चेक करने के बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स ऑफ टी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। अगर रियल प्लस इवन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल प्लस इवन होगा, अगर इमेजिनरी प्लस ऑड है तो रियल प्लस ऑड हो जाएगा, क्लियर है भाई। तो देखते हैं मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं मैंने क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्लियर है भाई। देखिए जरा, तो हमने देखा जब एक्स टी मेरा रियल होगा तो उसका जो एक्स ऑफ ओमेगा होगा वो भी आपका रियल होगा। रियल के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए रेक्टेंगल की एक एग्जांपल ले रहा हूं, रेक्टेंगल टी बाई टॉ, आप देख सकते हो रेक्टेंगल टी बाई टॉ को मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो माइनस टॉ बाई टू से लेके टॉ बाई टू इसकी हाइट इज वन, क्लियर है भाई। इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है भाई मेरे पास एक सैंपलिंग फंक्शन आता है, सैंपलिंग फंक्शन मींस इसका एरिया यहाँ पे टॉ है ऊपर वन, मींस टॉ सैंपलिंग इसकी हाफ विड्थ टॉ बाय टू ओमेगा, क्लियर है भाई। तो टॉ बाय टू ओमेगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन
टाउ ओमेगा बाई टू डिवाइड बाई टाउ ओमेगा बाई टू, टाउ के साथ टाउ कैंसिल हो जाएगा, साइन टाउ ओमेगा बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ, जी आपके पास एक रियल फंक्शन था, उसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, क्या इसमें कोई इमेजिनरी टर्म आ रही है? नहीं आ रही। इट मींस रियल फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो रियल ही होगा। क्लियर है भाई? सिमिलरली मैंने एक चीज आपको लिखवाया था, अगर फंक्शन रियल प्लस इवन हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रियल प्लस इवन ही आता है। क्लियर? तो इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन रियल है। इवन फंक्शन मैंने क्यों बोला, इसको इवन क्यों बोला, बिकॉज दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मेरे यहाँ पे लेक्चर है आपका, हाउ टू चेक गिवन फंक्शन इज अ रियल इवन और ऑड। क्लियर? उस लेक्चर में आप जब देखोगे उसमें मैंने कंडीशन प्रूव की है, जो भी आपका फंक्शन रियल होगा उसमें कोई भी जे की टर्म नहीं होगी, जो फंक्शन इवन होगा उसके अंदर आपका जो फंक्शन होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा, जो ऑड फंक्शन होगा वो रीजन के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल होगा। क्लियर पॉइंट? तो अब देखिए जरा, ये मेरा एक रियल प्लस इवन फंक्शन है, उसके साथ मेरा जो फंक्शन आया भाई सैंपलिंग आया। अगर मैं सैंपलिंग का ग्राफ ड्रॉ करूं तो सैंपलिंग का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखूं तो ये मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो ये भी मेरा इवन होगा, इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो ये मेरा रियल प्लस इवन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा रियल प्लस इवन होगा। समझ रहे हैं पॉइंट? तो दो पॉइंट आपने देख चुके हैं आप। आगे मैं ऑड फंक्शन की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल के लिए मैं सिग्नम टी ले लू, सिग्नम टी ये मेरे पास एक ऑड फंक्शन है। समझ पा रहे हो पॉइंट? तो सिग्नम टी का अगर मैं ग्राफ देखूं, सिग्नम टी का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा होता है, 1-1। क्लियर? सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजन, ओरिजन के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है, तो ये मेरा फंक्शन आपका ऑड होगा। क्लियर है भाई? अगर मैं आपको याद हो तो सिग्नम टी का जो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम टी इज 2 डिवाइड बाय जे ओमेगा। क्लियर है भाई? जब भी आपका ग्राफ ऑड होगा तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आपका इमेजिनरी आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सिग्नम टी था ये रियल प्लस ऑड था। जब भी मेरा ग्राफ रियल प्लस ऑड होगा, रियल प्लस ऑड होगा, तो उसका जो फोरियर होगा वो इमेजिनरी प्लस ऑड होगा। क्लियर? इसको मैंने ऑड क्यों बोला, देखिए एक्स ऑफ ओमेगा मेरे पास आया 2 डिवाइड बाई जे ओमेगा। क्लियर पॉइंट? अगर मैं ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा रखूं तो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय माइनस जे ओमेगा, सो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ऑफ ओमेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ, जो भी मेरा ऑड फंक्शन होगा उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ऑड फंक्शन ही होगा, अगर रियल प्लस ऑड है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इमेजिनरी प्लस ऑड होगा। समझ पा रहे हो पॉइंट? सिमिलरली अगर इमेजिनरी प्लस ऑड होगा, मान लीजिए ये चीज मेरी इमेजिनरी प्लस ऑड होगी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रियल प्लस ऑड हो जाएगा। समझ पा रहे हो पॉइंट? तो इसके एग्जांपल मैं देखिए क्या ले सकता हूं, इसके लिए मैं x ऑफ t को अज्यूम कर सकता हूं भाई, x ऑफ t इज इक्वल टू j सिग्नम t। आप देख सकते हो j के साथ मेरा ये इमेजिनरी बन गया, सिग्नम t क्या मेरा ऑड फंक्शन है। अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो j तो मेरा एज इट इज, सिग्नम t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 2 डिवाइड बाय j ओमेगा, j के साथ j कैंसिल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा। आप देख सकते हो इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, इसका मतलब j मेरा फंक्शन रियल होगा, प्लस 2 ओवर ओमेगा अभी देखा था, j को हटा दीजिए तो j मेरा बन जाएगा माइनस ओमेगा मींस ऑड। तो जहां पे भी ये मेरा इमेजिनरी प्लस ऑड रहेगा तो मेरा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज अ रियल प्लस ऑड, इसीलिए मैंने वो वहां पे लिखा था। अब अगला देखिए, अगर आपके पास फंक्शन रियल सॉरी इमेजिनरी प्लस इवन है, इमेजिनरी प्लस इवन की एग्जांपल क्या लूं मैं, जे रेक्टेंगल टी बाय टाउ, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी अभी आपने देखा था रेक्टेंगल टी बाय टाउ का होता है भाई टाउ सैंपलिंग
टाउ ओमेगा बाई टू, और जी आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो जी आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल के आपका इवन है, अभी अभी आपने देखा था जो आपका सैम्पलिंग फंक्शन है दैट इज ऑल्सो इवन, सो इवन इवन यहाँ पे इमेजिनरी था और यहाँ पे भी इमेजिनरी है, सो इवन सॉरी इमेजिनरी प्लस इवन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज इमेजिनरी प्लस इवन, क्लियर। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर एक्स ऑफ टी मेरा कंजुगेट सिमेट्रिक है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंजुगेट सिमेट्रिक, उसके लिए आपका जो रियल पार्ट है एक्स ऑफ टी का वो इवन होना चाहिए, ऑड पार्ट आपका सॉरी रियल पार्ट इज इवन इमेजिनरी पार्ट इज ऑड, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, रियल पार्ट इवन होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ रेक्टेंगल ले लीजिए रेक्टेंगल टी बाय टाउ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सिग्नम टी ले लो, क्लियर है भाई। इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, तो मैं बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दो फंक्शन है उसका इंडिविजुअल आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रेक्टेंगल का होता भाई टाउ सैंपलिंग टाउ ओमेगा बाय 2 प्लस जे, सिग्नम का होता है 2 डिवाइड बाय जे ओमेगा, जे के साथ जे कैंसिल हो जाएगा, सो टाउ सैंपलिंग टाउ ओमेगा बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय ओमेगा, क्लियर है भाई। अगर आपका जे कंजुगेट सिमेट्रिक है तो जे मेरा रियल पार्ट इवन है और सिग्नम टी इज ऑड, इट मींस ऑड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट इज ऑड, इट मींस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट सिमेट्रिक। अगर कोई भी फंक्शन कंजुगेट सिमेट्रिक होगा, क्या इसमें कोई जे टर्म आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब आपका रियल हो जाएगा, क्लियर है भाई। अगर एक्स टी मेरा रियल है, अगर एक्स टी रियल गिवन है, उसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म करूं वो कंजुगेट सिमेट्रिक होगा बाय यूजिंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, क्लियर। सिमिलरली अगर मेरे पास कंजुगेट कोई एंटी सिमेट्रिक होता, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए आपके पास रियल पार्ट ऑड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट इवन हो जाता है, जस्ट इनको रिवर्स कर दो, मींस सिग्नम टी प्लस जे रेक्टेंगल टी बाय टाउ, अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो सिग्नम का तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस जे, रेक्टेंगल का हो जाएगा भाई टाउ सैंपलिंग टाउ ओमेगा बाय 2, क्लियर है भाई। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में आपका इमेजिनरी टर्म आ रही है, इसका मतलब जब एक्स टी आपका कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक इमेजिनरी होगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी आपके पास वैलिड है, अगर मेरे पास एक्स टी इमेजिनरी होगा तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा, क्लियर। तो आप देख सकते हो भाई, आपको मैंने एक एक पार्ट को प्रूव कर दिया, तो इसलिए वो जो टेबल आपको दिया गया था उसको रिमेम्बर करना है, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में काफी क्वेश्चन उसके ऊपर आए हुए हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा हर एक पॉइंट को, क्लियर। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्लियर। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।